हेलो दोस्तों, मैंने क्लिक पर स्वागत करता हूँ आपका डिस्पर्जन के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन डिस्कस करेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था और क्वार्टाइल्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। अभी बारी है क्वार्टाइल्स निकालें कैसे। तो क्वार्टाइल्स के लिए इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के ये फॉर्मूलेज हैं। Q1 मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल निकलता है n+1/4th टर्म से, और Q3 मतलब थर्ड क्वार्टाइल निकलता है 3 times n+1/4th टर्म से, मतलब इसका ही 3 गुना हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। तो जैसे हमने मीडियन निकालना सीखा था, एकदम सेम चलता है क्वार्टाइल्स का। मीडियन के फॉर्मूले में यहाँ 2 आता है, यहाँ 4 है। मीडियन क्योंकि सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, इसलिए 2 आता था वहां पे, ये 4 पार्ट में डिवाइड करता है इसलिए 4 आता है यहाँ पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है वो देखिए आप। ये है हमारा क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का, और हर एक क्वेश्चन में एक बात विशेष यहां ध्यान देने वाली है कि जैसे मीडियन में जो भी क्वेश्चन हमारे पास आता है उसको हम सीक्वेंस में अरेंज करते हैं पहले, तो यहां भी क्वार्टाइल्स में भी जो भी क्वेश्चन हमारे पास आएगा उसको हम पहले सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, उसके बाद ही क्वार्टाइल्स निकलेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन होगा तो इस तरह का होगा कुछ। उसमें हमें 2 चीजें पूछेगा, क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये दोनों निकालने के लिए हमें पहले ये दोनों निकालने हैं, उसके बाद इन फॉर्मूलेज में हम लोग वैल्यू रख देंगे। तो पहले मैं निकाल रहा हूं Q1 और Q3। निकालने से भी पहले हमें इनको अरेंज करना है। सबसे पहले तो अरेंज करो, तो अरेंज करेंगे तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं मैं। 3 के बाद आएगा 5, देन 9, देन 10, 10 के बाद है 20, 35 एंड 40। यह हमारे पास टोटल 7 वैल्यूज हैं, मतलब n की वैल्यू यहां से आप देखें तो 7 आ रही है। n की वैल्यू 7 है तो फॉर्मूला हम लोग लगाएं Q1 का। Q1 होता है हमारे पास n+1/4th टर्म, n मतलब 7, तो 7+1/4th टर्म, 7+1 8, 8/4 मतलब 8/4 मतलब सेकंड टर्म हो गया है। और सेकंड टर्म कौन सी है यहां पर, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये है हमारे पास सेकंड टर्म, ये है हमारे पास सेकंड टर्म। तो यहां आंसर आ गया हमारा 5। सेम इसी तरीके से हम लोग Q3 निकालेंगे, तो Q3 आएगा 3 times n+1/4th टर्म, जो कि होगा 3 times n तो वही 7 है, टोटल कितने लोग हैं वो है n, तो 7+1/4th टर्म विच इज इक्वल टू, देखो 3 और ये है 2, मल्टीप्लाई में 3 into 2, 6th टर्म हो गई है। कैलकुलेट करो तो 6th टर्म कौन सी है यहां पर, 1 2 3 4 5 6, ये है हमारी 6th टर्म, 35। अब हमारे पास Q1 पता है, Q3 पता है हमें, तो हमें QD मतलब क्वार्टाइल डेविएशन भी निकल जाएगा। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला लगा दीजिए, Q3 - Q1/2, तो ये बनेगा 35 - 5/2, 30/2 मीन्स 15। और लास्ट कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला सिंपल सा, Q3 - Q1/Q3+Q1 × 100 आप अप्लाई करो और ये बनेगा Q3 - 35 - 5/35 + 5 × 100, 30/40 × 100, 75%। जो भी कोफिशिएंट्स के आंसर आते हैं हर एक डिस्पर्जन में, जब भी आप कोफिशिएंट का आंसर निकालोगे तो परसेंटेज में ही देंगे, तो लास्ट में परसेंटेज लगाया है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया था एग्जांपल के तौर पे। अब धीरे धीरे हम थोड़े से अच्छे एग्जांपल्स की तरफ बढ़ेंगे, तो सेकंड एग्जांपल लेते हैं। देखिए
देखिए सेकंड एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं, काम सबसे पहले वही करना है, इसको अरेंज करो सबसे पहले। तो सबसे पहला टास्क है इसको अरेंज करना। अरेंज करेंगे तो स्टार्ट होगा 5, देन 8, 15, 18, 20, 25, उसके बाद है 30, देन 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 आ गए। 8 आ गए, इसका मतलब n की वैल्यू हमें मिल गई 8, जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है फॉर्मूलेज में। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो आप Q1 का फॉर्मूला लगा दो। Q1 का फॉर्मूला क्या है? Q1 का फॉर्मूला है n प्लस 1 बाई फोर्थ टर्म, विच मीन्स n मीन्स 8, तो 8 प्लस 1 बाई फोर्थ टर्म। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये बनता है हमारा 9 बाई 4। 9 बाई 4 मीन्स 2.25th टर्म। अब देखो यहां थोड़ा समझने वाली बात है कि 2.25 टर्म कौन सी आ गई है। या तो फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ और एट्थ टर्म है। ये पॉइंट्स में कब से आने लग गई टर्म्स? सेकंड टर्म समझ में आती है, थर्ड टर्म समझ में आती है, ये तो सवा दो वाली टर्म कौन सी आ गई? दूसरी टर्म पता है, तीसरी पता है, सवा दो तो नहीं पता ना। तो ऐसी सिचुएशन के साथ कैसे डील करना है, इसलिए एक खास क्वेश्चन है काफी। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमेशा आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। देखिए कैसे, इसको आप लिखोगे हमेशा पॉइंट से जस्ट पहले वाला इंटीजर आप ले लो, सेकंड टर्म प्लस 0.25, ये पॉइंट के बाद वाला अलग किया, पॉइंट के पहले वाला अलग किया, इनटू में थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। वापस से सुनो, पॉइंट के पहले वाला इधर सेकंड टर्म, पॉइंट के बाद वाला उधर 0.25, इनटू में बस यहां पर लगाना है थर्ड माइनस सेकंड, जिसके बीच में ये फंस रहा है। 2.25 किसके बीच में आता है? 2 और 3 के बीच में आता है ना, तो थर्ड माइनस सेकंड करना है आपको। अगर मान लो ये ऐसा ना हो, पहले एक बार इसको मैं कंप्लीट करता हूं, फिर मैं थोड़े से और यहां एग्जांपल्स बताता हूं आपको कि इस तरह की सिचुएशन के साथ कैसे डील करना है आपको। सेकंड टर्म देखो पहले तो क्या है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड है 8, 8 प्लस 0.25, थर्ड माइनस सेकंड, थर्ड है 15, तो 15 माइनस 8, तो ये हमारे पास आएगा 8 प्लस 0.25 इनटू में 7, 7 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है अपने पास 1.75, और अगर इन दोनों को ऐड करते हो तो 9.75, ये हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल आ गया। अब बात है कि भाई ऐसी सिचुएशन आ जाए और तो कैसे डील करना है। देखिए यहां पर मान लो आपको पूछे 6.35th टर्म, इसका क्या जवाब मिलेगा? इसका जवाब मिलेगा पहले ये वाला ले लो आप, सिक्स्थ टर्म प्लस में पॉइंट के बाद वाला अलग करो 0.35 इंटू, अब ये किस किस के बीच में आता है 6.35? 7 और 6 के बीच में आता है, 6 और 7 के बीच में आएगा, तो सेवेंथ टर्म माइनस सिक्स्थ टर्म ये आ जाएगा। मैंने ऐसे रैंडम एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल से मतलब नहीं है। मान लो यहां इस तरह की कुछ भी अजीबोगरीब सी टर्म्स यहां बने तो उसको कैसे सॉल्व करना है, और मैं एक दो एग्जांपल्स लेता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो यहां पर आता है 2.45th टर्म, ये भी जरूरी नहीं है कि यहां 5 ही आए हर बार, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो 2.47th टर्म आ रही है, इसका यह मतलब होगा सेकेंड पहले ये ले लो प्लस पॉइंट के बाद वाला अलग करोगे 0.47 इंटू, किन के बीच में ये आ रहा है? 2 और 3 के बीच में आता है 2.47, तो थर्ड माइनस सेकंड। ऐसे ही मान लो आपके पास आ जाए 5.1th टर्म, केवल इतना 5.1th टर्म, दैट मींस फिफ्थ टर्म 5 अलग किया प्लस पॉइंट के बाद वाला पोर्शन अलग किया 0.1, और ये किस किस के बीच में आता है 5.1? ये आता है सिक्स्थ माइनस फिफ्थ के बीच में। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से हम लोग
किसी भी टर्म को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार हम Q3 पे जाते हैं, Q1 के बाद में Q3 निकालते हैं, आपको और क्लैरिटी आएगी इस चीज की, है ना। Q3 देखिए क्या होता है, Q3 का फॉर्मूला है हमारे पास 3 टाइम्स n प्लस 1 बाई फोर्थ टर्म। तो अगर आप कैलकुलेशन के लिए रखें तो ये 3 टाइम्स 8 प्लस 1 बाई फोर्थ टर्म, क्योंकि n की वैल्यू यहां पर 8 ली हुई है। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये तो अभी अभी कैलकुलेट किया है हमने, 2.25 आया था, इसी को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो अल्टीमेटली ये बनेगा 6.75 टर्म। अब इसके साथ कैसे डील करना है, तो इसको आप लिखोगे पहले पॉइंट के पहले वाला सिक्स्थ टर्म प्लस 0.75, ये किस किस के बीच में आएगा, 6 और 7 के बीच में आ रहा है ये, तो 7th माइनस 6th टर्म, ये सिंपल सा इसमें सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। आगे बस वैल्यूज रख दीजिए आप, 6th टर्म मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6th टर्म 25 है और 7th टर्म 30 है, तो यहां आ गया 25 प्लस 0.75 इंटू 30 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 25 प्लस 0.75 इंटू में 5, तो 25 प्लस ये अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है हमारे पास 3.75 जो कि आएगा 28.75 फाइनल। Q1 हमारे पास आ गया, Q3 हमारे पास आ गया, अब हम क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हैं, तो मैं यहां निकालता हूं। देखिए देखिए क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो ये बनेगा हमारा Q3 है 28.75 माइनस Q1 है हमारे पास 9.75 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, ये आता है 9.5। ठीक है, अगर आप कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला लगाएं जो कि है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100, तो ये बनेगा Q3 मींस 28.75 माइनस 9.75 डिवाइडेड बाय 28.75 प्लस 9.75 इंटू में 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये फाइनल आंसर आता है 24.67%। हमें एग्जाम में ये दो चीजें पूछी जाती हैं, क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, वो निकालने के लिए हमें Q1 और Q3 निकालना पड़ता है, जो कि एक तरीके से टफ टास्क होता है, बाकी उसके बाद तो बहुत इजी टास्क है फॉर्मूले में वैल्यू रखना। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं इसी पैटर्न का, ताकि अपनी और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। देखिए देखो इंडिविजुअल के लिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं, उसके बाद डिस्क्रीट पे स्विच कर जाएंगे हम लोग। ये है कि कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ अ ईयर। हमें हर महीने का डेटा दे रखा है इनकम का, कि जनवरी में इतनी, फरवरी में इतनी, मार्च में इतनी, अप्रैल में इतनी, मई में इतनी, जून में इतनी और दिसंबर तक दे रखा है। हमें इस वैल्यू का क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो जो वैल्यूज हैं टोटल देखा जाए तो 12 है, एन की वैल्यू 12 हो गई हमारे लिए। ठीक है, तो मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, ऑलरेडी ये अरेंज्ड है सीक्वेंस में, आप देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये, तो बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। ये है 139 140 141 142 142 143 143 144 145। ये इस तरह से टोटल 12 वैल्यूज हैं, टोटल 12 टर्म्स हो गए एक तरीके से। तो अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो n की वैल्यू हमारे पास क्लियरली 12 है, जिसका यूज करके हम लोग इजीली आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आप Q1 निकालो, क्योंकि Q1 और Q3 चाहिए हमें क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए। तो Q1 कितना आएगा, Q1 आएगा n प्लस 1 बाय फोर्थ टर्म, n 12 प्लस 1 बाय फोर्थ टर्म 13 बाय 4, 13 बाय 4 अगर आप डिवाइड देते हो तो 3.4
टू फिफ्थ टर्म बन रही है, पॉइंट्स में आ रही है, जैसे लास्ट एग्जाम्पल हमने किया। तो इसको कैसे अगर अपन खोलें तो कैसे खोलेंगे, थर्ड प्लस थर्ड टर्म प्लस 0.25 पॉइंट के बाद वाला अलग, पॉइंट से पहले वाला अलग, और 3.25 आता है 4 और 3 के बीच में। थर्ड टर्म प्लस 0.25 आएगा 4 और 3 के बीच में, तो फोर्थ माइनस थर्ड। अब देखिए यहां पर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, थर्ड टर्म है 140 और फोर्थ टर्म है 141, तो 140 प्लस 0.25 141 माइनस 140 ये आ गया 140 प्लस में 0.25, ये तो 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई में, रिजल्ट बनेगा 140.25। ये हमारा क्यू बना गया, बहुत ही आसानी से आ गया। क्यू थ्री की बात करें, मेन हमें यही सीखना था कि पॉइंट्स को कैसे डील करना है। क्यू थ्री की अगर बात करें तो ये है एन प्लस 1 बाई फोर्थ टर्म, बस यहां 3 लग जाएगा, तो 3 टाइम्स एन की वैल्यू अगेन 12 रखेंगे तो 12 प्लस 1 बाई फोर्थ टर्म, जिसको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 3.25 तो पहले ही आया था, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9.7 फिफ्थ टर्म बन जाएगी, जिसको आप एक्सपेंड करके खोल के आप लिख सकते हो, ये हो गया नाइन्थ टर्म प्लस पॉइंट के पहले वाला अलग किया, पॉइंट के बाद वाला अलग करो 0.75, और ये आता है 9 और 10 के बीच में, तो 10th माइनस 9th टर्म। ठीक है, अब ये 9th टर्म देखो जरा कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है 143 और 10th टर्म है 144, तो 143 प्लस में 0.75, 144 माइनस 143, मैंने 9 और 10th वैल्यू रख दी बस यहां पर। अब ये कितना बनेगा, ये बन रहा है 143 प्लस में 0.75, ये 1 है अगेन मल्टीप्लाई में, नीड नहीं है लिखने की, तो क्या बन जाएगा 143.75, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। Q1 आ गया, Q3 आ गया, फॉर्मूला लगा दो क्वार्टाइल डेविएशन का, क्वार्टाइल डेविएशन हमारे पास आ जाएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, विच इज इक्वल टू 143.75 माइनस 140.25 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को माइनस करोगे तो 3.5 आएगा, 3.5 को 2 से डिवाइड दोगे तो 1.75 बन रहा है क्वार्टाइल डेविएशन। अब अगर कोफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें तो कोफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हमारे पास आएगा सिंपल वही फॉर्मूला, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इनटू 100, विच इज इक्वल टू 143.75 माइनस 140.25 डिवाइडेड बाय 143.75 प्लस 140.25 इनटू 100। अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट करते हो तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 1.23%। तो ये हमने इस क्वेश्चन में निकाल लिया है फर्स्ट क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल जिनका यूज लेकर के क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो इस तरीके से इंडिविजुअल सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसका क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इजीली निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने इंडिविजुअल सीरीज को पूरी कंप्लीट कर लिया, अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज की। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू।